यहाँ सरकार का दावा है कि सूबे में हर दिन विकास नए आयाम तय कर रहा है, लेकिन योगी सरकार के विकास आयामों में सड़कों का तो नाम नहीं आता है। ऐसा ही एक मामला जनपद जालौन का है, जहां कोंच तहसील को जोड़ने वाली एवं नगर के प्रथम प्रवेश पर नगर पालिका क्षेत्र में आने पर विकास से अछूती नजर आ रही है। ये सड़क मार्कंडेश्वर तिराहे कोंच से पंचानंद चौराहे कोंच तक मात्र 3 किलोमीटर की सड़क पिछले कई वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती नजर आ रही है, जिसमें इतने गड्ढे हैं कि कोई समझ ही नहीं सकता है कि सड़क है भी कि नहीं, जिस पर ग्रामीण किसान व्यापारी स्कूली बच्चे एवं राहगीर हर रोज गुजरते हैं और परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि बरसात में तो इस सड़क से गुजरना मनो मौत को दावत देने जैसा है, पर इसकी खबर ना तो स्थानीय विधायक मूलचंद निरंजन को है और ना ही स्थानीय सांसद भानु प्रताप वर्मा को है। तो प्रशासन के अधिकारियों को लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद भी उनके कानों तक जू तक नहीं रेंगती है। जब इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने उप जिलाधिकारी कोंच अशोक कुमार से बात की तो उनका भी वही गोलमोल जवाब सुनने को मिला। सेव मोहन अग्रवाल, क्या कहना चाहेंगे, आपके दुकान के सामने सड़क जा रही है, कब से खराब पड़ी है, क्या हालत है? ये सर करीब 2-3 महीने से खराब है और यहाँ जो है मोटरसाइकिल चलाने में फंसल जाती है, गिर पड़ते हैं लड़कियाँ, ये पढ़ने वाली निकलती, लड़के निकलते हैं पढ़ने वाले गिर पड़ते हैं, पैदल चलने वाले भी गिर पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। सत्ता आते ही योगी सरकार ने कहा था कि हम गड्ढों को मुक्त कराएंगे, यहाँ तो सड़क ही नहीं दिख रही है, तो क्या कहेंगे? ये तो जो है पानी भरा हुआ आप खुद देख रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता है। अभिषेक है, कौन से स्कूल पढ़ते हो? मां सरस्वती विद्या मंदिर। हम लोग आते हैं, गिर पड़ते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूल मिस हो जाते हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, इसके बारे में अभी हमने जल्दी ही कार्यभार ग्रहण किया है और इस सड़क की जो कार्यदायी संस्था है जो इस सड़क की देखभाल करती है तो उनके संज्ञान में ये चीज़ लाई जाएगी और इसे कार्ययोजना में ले करके इस पर कार्य करके जो कमियां हैं उसको दुरुस्त कराया जाएगा।